हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी बेसिक्स पर। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप बड़ी से बड़ी संख्या को किस प्रकार शब्दों में लिख सकते हो, वो भी बहुत कम समय में। लेकिन यह सब सीखने से पहले मैं आपको बताता हूं कि हम संख्याओं को दो तरीक़ों से शब्दों में लिख सकते हैं, और वो दो तरीके कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। संख्याओं को शब्दों में लिखने के दो तरीके हैं। पहला है भारतीय संख्यांकन प्रणाली यानी इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम, और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन प्रणाली यानी इंटरनेशनल न्यूमेरिक सिस्टम। इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम को हम अपने देश भारत, पाकिस्तान या नेपाल, भूटान, हमारे देश के आसपास के जो देश हैं उनमें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली को फॉरेन कंट्रीज़ में फॉलो किया जाता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि भारतीय संख्यांकन प्रणाली में क्या होता है और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन प्रणाली में क्या होता है। दोस्तों, कोई भी संख्या है उसके अंदर, आपने जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक संख्या है, इसके अंदर कुछ अंक हैं जैसे 5, 4, 3, 4, 7, 2, 6। इन अंकों के कुछ स्थानीय मान होते हैं, जैसे ये पहले नंबर पर है तो इसका स्थानीय मान होगा इकाई, दूसरे पर है इसका होगा दहाई। इसी प्रकार अगर कोई तीसरे नंबर पे है तो उसको हम सैकड़ा कहेंगे। चौथे नंबर का जो स्थानीय मान होता है वह होता है 1000। पाँचवें नंबर का स्थानीय मान 10000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, 10 अरब, ऐसे आगे बढ़ते चले जाते हैं भारतीय संख्यांकन प्रणाली में। और अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली की, अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में पहले स्थान को इकाई, दूसरे को दहाई, फिर सैकड़ा, फिर 1000 और फिर 10000। यहाँ देखो दोस्तों, 10000 तक भारतीय संख्यांकन प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन प्रणाली में सेम होते हैं, लेकिन 10000 के बाद भारतीय संख्यांकन प्रणाली में लाख आता है और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन प्रणाली में आता है 100000। 100000 के बाद मिलियन, मिलियन के बाद 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर बिलियन, ऐसे 10 बिलियन, 100 बिलियन और आगे बढ़ते चले जाते हैं। इंग्लिश में बात करें तो सबसे पहले वंस, फिर टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, टेन थाउजेंड्स, हंड्रेड थाउजेंड्स, मिलियंस, टेन मिलियंस, हंड्रेड मिलियंस, बिलियंस, इस प्रकार इसको आगे बढ़ाते चले जाते हैं। और अगर इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम की इंग्लिश में बात करें तो यहाँ पर तक तो सेम होगा, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, टेन थाउजेंड्स, फिर यहाँ पे होगा लाख, लाख के बाद होगा टेन लाख, टेन लाख के बाद वन करोड़, और वन करोड़ के बाद टेन करोड़। तो इंग्लिश में इंडियन जो न्यूमेरिक सिस्टम है उसको हम ऐसे लिखते हैं। अब आपको ये तो पता चल गया कि भारतीय संख्यांकन प्रणाली में जो अंक होते हैं उनका स्थानीय मान को हम क्या कहते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो इकाई, दहाई, सैकड़ा है, इन तीनों के समूह को हम इकाई समूह कहते हैं, इन तीनों के समूह को हम इकाई समूह कहते हैं, और 1000, 10000, इन दोनों के समूह को हम हजार समूह कहते हैं। इसी प्रकार लाख और 10 लाख के समूह को हम लाख समूह या लाख फैमिली भी कह सकते हैं, और ऐसे ही करोड़ तथा 10 करोड़ के समूह को हम कहते हैं करोड़ समूह। अब यहाँ पर देखना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई समूह में कुल 1, 2, 3 अंक आते हैं। 1000, 10000, हजार समूह में कुल 2 अंक आते हैं। इसी प्रकार लाख, 10 लाख, लाख समूह में 2 वर्ग आते हैं, और करोड़ समूह में भी करोड़, 10 करोड़, 2 अंक आते हैं। इकाई समूह में 3 अंक, इसमें 2 अंक, इसमें 2 अंक, और करोड़ में भी 2 अंक आते हैं। तो जब भी हम किसी भी संख्या का नाम भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखेंगे तो सबसे पहले जो भी संख्या लिखी होगी उसको हम समूहों में बांटेंगे, और समूहों में किस प्रकार बांटना है, सबसे पहला समूह 3 अंकों का, उसके बाद 2 अंकों का, फिर उसके बाद 2 अंकों का, और उसके बाद फिर 2 अंकों का समूह होगा। चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि यह समूह में हम संख्या को किस प्रकार बांटेंगे। दोस्तों, आपके सामने एक संख्या लिखी है 6, 2, 7, 4, 3, 4, 5। इस संख्या को मैंने शब्दों में लिखना है, और किस संख्यांकन पद्धति से, भारतीय संख्यांकन पद्धति से। तो मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस संख्या को हम समूहों में बांटेंगे, और समूहों में बांटते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इकाई, दहाई, सैकड़ा।
इकाई दहाई सैकड़ा, तीन अंकों का एक समूह हो गया जिसको हम इकाई समूह कहते हैं। उसके बाद हजार दस हजार, हजार दस हजार ये हमारा हजार समूह हो गया। उसके बाद लाख दस लाख, ये हो गया हमारा लाख समूह। तो आपने देखा ये हमारा इकाई वर्ग, ये हमारा हजार वर्ग और ये हमारा हो गया लाख वर्ग। अब आपको देखना क्या है, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप समूह बनाते हैं, समूह आपको किस तरफ से शुरू करना है, दाईं तरफ से, दाईं तरफ से बनाना स्टार्ट करना है। जैसे पहला समूह तीन का बनाया, फिर दो का और ऐसे दो का आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन जब आप इस संख्या का नाम लिखेंगे तब आपको बाईं तरफ से स्टार्ट करना है। अगर आप इसका नाम लिखेंगे तब आपको बाईं तरफ से स्टार्ट करना है। देखो कैसे, सबसे पहले है लाख वर्ग, और लाख वर्ग में कौन सी संख्या आई है, सिक्स और टू, छः और दो, जिससे मिलकर बनता है बासठ। तो इस संख्या का नाम लिखेंगे सबसे पहले बासठ, और उसके बाद जो इसका वर्ग है, जो इसका समूह है, उसका नाम लिखेंगे लाख। तो ये बन गया बासठ लाख। उसके बाद अगली संख्या क्या है, सात और चार, सात और चार से मिलकर बनता है चौहत्तर, सात और चार से मिलकर बनेगा चौहत्तर। और सात और चार, चौहत्तर कौन से वर्ग में है, कौन से समूह में है, हजार में। तो चौहत्तर के पीछे इसके समूह का नाम लिख देंगे हजार। तो ये यहाँ तक बन गया बासठ लाख चौहत्तर हजार। उसके बाद देखो दोस्तों, उसके बाद अगला समूह है तीन अंकों का इकाई वर्ग। इकाई में तीन अंक आए हैं, तीन चार पाँच, और आपको पता है कि तीन चार पाँच, इस संख्या को हम कहते हैं 345। तो इसके पीछे लिख देंगे हम 345। तो ये पूरी संख्या बन गई हमारी बासठ लाख चौहत्तर हजार 345, बासठ लाख चौहत्तर हजार 345। तो जब भी आपको किसी भी संख्या का नाम भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है तो आपको समूह बनाने हैं। सबसे पहला समूह तीन का, फिर दो का, फिर दो का, और आगे भी दो के समूह बनते जाएंगे। सिर्फ पहला समूह हमारा तीन का होगा। तो चलिए एक दूसरी संख्या देखते हैं। इसमें देखो दोस्तों, सबसे पहला काम क्या है हमारा, समूह बनाना। तो सबसे पहले समूह बनाएंगे एक दो तीन, तीन तीन के समूह के बाद कोमा, फिर एक दो, दो के बाद कोमा, फिर एक दो, दो के बाद कोमा, फिर एक दो। अब यहाँ तो एक ही आया है तो यहाँ तक रखेंगे। अब हमने इसको समूह में बांट दिया। आपको पता है पहला जो समूह है वो है हमारा इकाई समूह, दूसरा जो समूह है वो है हमारा हजार, तीसरा है हमारा लाख, और चौथा होता है हमारा करोड़ वर्ग। तो सबसे पहले समूह में हमने बांट दिया दाईं तरफ से स्टार्ट करके, लेकिन जब हम इस संख्या का नाम लिखेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे बाईं तरफ से, इस साइड से। तो सबसे पहला है करोड़ समूह, और करोड़ में कौन सी संख्या आई है, आठ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आठ करोड़, आठ, और इसके वर्ग का नाम, समूह का नाम करोड़। उसके बाद अगला वर्ग, अगला समूह है लाख का। लाख में आए हैं दो अंक, सात और पाँच, सात और पाँच को मिलकर बनता है पचहत्तर, और ये समूह का नाम क्या है, लाख। तो ये बन जाएगा हमारा पचहत्तर लाख। उसके बाद अगला वर्ग आता है हजार वर्ग, हजार समूह, इसमें भी दो संख्याएं हैं, नाइन और फाइव, नौ और पाँच, नौ और पाँच को मिलाकर बनता है पचानवे। और कौन सा वर्ग है, हजार, तो इसके पीछे आ जाएगा हजार। उसके बाद अगला वर्ग देखते हैं इकाई वर्ग। इकाई वर्ग में तीन अंक हैं, सात छः दो, सात छः दो को मिलाकर बनेगा सात सौ बासठ, सात सौ बासठ। तो ये पूरी संख्या का हमारा नाम बन गया आठ करोड़ पचहत्तर लाख पचानवे हजार सात सौ बासठ। तो इस प्रकार आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद एक और संख्या देखते हैं। इसमें भी आपको वही काम करना है, सबसे पहले आपको समूह बनाने हैं। पहला समूह तीन का होगा, एक दो तीन, तो तीन अंकों के पहले कोमा लगा देंगे, फिर दो का, एक दो, दो से पहले कोमा लगा देंगे, फिर दो का, एक दो। उसके बाद हम देखेंगे कि पहला वर्ग इकाई का, दूसरा हजार का, फिर तीसरा वर्ग है लाख का, फिर हमने लाख वर्गों के नाम देखने हैं। उसके बाद लाख वर्ग में आठ और पाँच, आठ और पाँच यानी पचासी, पचासी बन रहा है, तो यहाँ पे पचासी लिख के उसके पीछे वर्ग का नाम लिख देंगे। ये बन गया हमारा पचासी लाख। हजार वर्ग में चार और छः, चार और छः से मिलकर बनता है छियालीस,
तो यहाँ पे 46 लिखकर इसके वर्ग का नाम, इसके समूह का नाम लिख देंगे 1000। तो यह बन गया हमारा 46000। उसके बाद लास्ट समूह है इकाई वर्ग 283 आया है। 283 का मतलब होता है 283। तो इस पूरी संख्या का नाम बन गया 85,46,283। तो इस प्रकार आप संख्याओं के नाम बना सकते हैं। अब एक बड़ी संख्या देखते हैं, और ये है, इस संख्याओं में खासकर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, उलझ जाते हैं, क्योंकि इसमें 00 आया हुआ है। तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले वही तरीका, सबसे पहले हम वर्ग बनाएंगे। तो 1, 2, 3 के बाद कोमा, फिर 1, 2 के बाद कोमा, फिर 1, 2 के बाद कोमा। उसके बाद पहला वर्ग इकाई, दूसरा वर्ग हजार, तीसरा वर्ग लाख, चौथा वर्ग करोड़। यहाँ तक समझ गए? उसके बाद सबसे जो लास्ट बना है करोड़, करोड़ में क्या आया है? 9। तो यहाँ पे लिख दो 9। और कौन से समूह में है? करोड़ में, तो 9 करोड़। उसके बाद अगला समूह लाख, लाख में आया है 9 और 9 से मिलकर बनेगा 99। और लाख वर्ग में आया है तो ये बन जाएगा हमारा 99 लाख। इसी तरह अगले समूह में देखो, यहाँ पे आया है 0 और 0। 0, 0 को कोई मतलब नहीं होता, तो 0000 कुछ भी नहीं होगा, तो ये लिखने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि 0 तो कुछ भी नहीं होता। उसके बाद अगले समूह में आया है 0, 4, 6 का मतलब होता है 4, 6 ही होता है। इन दोनों का मतलब सेम है, क्योंकि अगर आगे 0 हो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो 4 और 6 से मिलकर बनता है 46। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 46। देखो दोस्तों, कन्फ्यूज नहीं होना है। पहला वर्ग था करोड़ वर्ग, करोड़ वर्ग में 9 आया था तो 9 करोड़। उसके बाद था लाख वर्ग, लाख में 99 आया था, 99 लाख। उसके बाद था हजार, हजार में कुछ भी नहीं था तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0 का मतलब कुछ नहीं होता। उसके बाद इकाई वर्ग, इकाई वर्ग में आया था 4, 6 यानी 46। तो यहाँ पे लिख देंगे 46। तो इस पूरी संख्या का नाम बन जाएगा 9,99,46। आपको देखने में जितनी बड़ी संख्या लग रही थी उसका नाम उतना ही छोटा है। अब इसी प्रकार एक और बड़ी संख्या देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कोमा लगा के वर्गों में बांटेंगे समूह में। 1, 2, 3 सबसे पहले 3 का, फिर 1, 2, 2 का वर्ग, फिर 1, 2, 2 का, फिर ऐसे ही 2 का। अब एक संख्या है तो आप 0 भी लगा सकते हैं, फिर ऐसे ही लिख दो, एक ही बात है। अब आपको पता है सबसे पहले होगा इकाई वर्ग, उसके बाद हजार, उसके बाद लाख, और उसके बाद करोड़। तो यहाँ तक भी आप समझ गए। अब क्या करना है बनाइए मेरे साथ आप। सबसे पहले करोड़, करोड़ में क्या आया है? 0 और 9। और आपको पता है अगर आगे 0 हो या ना हो तो एक ही बात है। तो ये बनेगा हमारा 9। कौन सा वर्ग है? करोड़, तो 9 करोड़। उसके बाद अगला वर्ग है लाख, लाख में आया है 8 और 4। 8 और 4 से मिलकर बनेगा 84। तो ये बन जाएगा हमारा 84 लाख। उसके बाद अगला वर्ग हजार, हजार में आया है 3 और 2। 3 और 2 का मतलब होता है 32। तो ये बन जाएगा हमारा 32000। उसके बाद आया है इकाई वर्ग में 701, और 701 का मतलब होता है 701। तो ये बनेगा हमारा 701। तो इस प्रकार इस पूरी संख्या का नाम बन गया 9,84,32,701। 9,84,32,701। अब देखते हैं लास्ट संख्या, ये थोड़ी इन सबसे बड़ी संख्या है। अब इस संख्या का नाम हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले वही काम, 1, 2, 3, 3 का ग्रुप, फिर 1, 2, 2 का ग्रुप, फिर 1, 2, 2 का ग्रुप, फिर 1, 2। उसके बाद आपको पता है सबसे पहले इकाई, फिर हजार वर्ग, फिर लाख, और फिर करोड़। अब क्या करेंगे? सबसे पहले करोड़ था, करोड़ में आया है 5 और 6। 5 और 6, 5 और 6 से बनेगा 56। तो ये बन गया हमारा 56 करोड़। उसके बाद अगला है लाख, लाख में आया है 2 और 3। 2, 3 से बनेगा 23। तो ये बन जाएगा हमारा 23 लाख। उसके बाद हजार वर्ग में आया है हमारा 5 और 7। 5 और 7 यानी 57। तो ये बनेगा हमारा 57000। उसके बाद 8, 2, 9 इकाई वर्ग में आया, 8, 2, 9 यानी कि 829। ये बनेगा हमारा 829।
तो इस प्रकार इस पूरी संख्या का भारतीय संख्यांकन पद्धति में नाम बन गया 56,23,57,829। तो इस प्रकार आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का भारतीय संख्यांकन पद्धति में नाम लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, मैं आपको एक संख्या देता हूँ और आपको इसका नाम बताना है 7632405। इस संख्या का आपको भारतीय संख्यांकन पद्धति में कमेंट में नाम बताना है। इस वीडियो में हमने देखा कि भारतीय संख्यांकन पद्धति को हम कैसे लिखते हैं। इससे अगली वीडियो में मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली को भी लिखना सिखाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।